किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है, ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में कर कौन रहा है। दंगा करने वाले ना हिंदू थे ना मुसलमान, और ना ही थे शायद इंसान। तो फिर इन बेकार के पचड़ों में पड़ कौन रहा है, किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है। मैंने तो ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुसलमानों को गले मिलते हुए देखा है। तो फिर अब हमारे बीच में नफरत के ये किस्से गढ़ कौन रहा है, किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है। और हमें तो बचपन से संस्कार मिले हैं अब्दुल चाचा के पैर छूने के, और हामिद को घंटों मां के गले में बाहें डाल के अम्मी कहने के। तो फिर अब हमारे दिमाग में उल्टे सीधे संस्कार भर कौन रहा है, किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है। उस बस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सवार थे। तो फिर ऐसी बसों में बम धमाके कर कौन रहा है, किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है। मैंने तो बचपन में अपनी नानी से ज्यादा कहानी नानी की सहेली रमजानो नानी से सुनी है। तो फिर अब हिंदू मुस्लिम का झंडा उठाकर नानी देवते की कहानी में बढ़ कौन रहा है, किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है। और मैंने तो मास्टर सलीम को माता के जागरण में गाने गाते हुए सुना है, और शान को उर्स में कव्वाली। तो फिर अल्लाह ईश्वर अलग है ऐसी बातें कर कौन रहा है, किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है। और कहते हैं कि मुल्क को आजाद करवाने में सबका बराबर का योगदान है। तो फिर मुल्क में रह के मुल्क के बंटवारे की बातें कर कौन रहा है, किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है। और मेरा तो मानना है कि किसी मस्जिद में जाके रामायण और किसी मंदिर में जाके अल्लाह को याद किया जाए, पर मेरी ऐसी बातों को बकवास मानकर सुन कौन रहा है, किसका मुल्क है, लड़ कौन रहा है।